सो हाय हेलो इस यार, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लकी फिल्डर्स का डिफेंड कप आई की, और लकी फिल्डर्स का डिफेंड के अंदर आप लोगों को कौन कौन से न्यू आइटम सीखने के लिए मिलेगा वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाऊंगी। साथ में देखो न्यू ब्लैक टी शर्ट आने वाला है, और स्टोर के अंदर अपडेट होगी तो कौन सी न्यू आइटम्स आने वाली है ये दिखाऊंगी। वनडे बंडल का रिंग डिफेंड कप आएगा, इसी एम फोन डेट निकल के आ चुकी है जो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगी। साथ में नेक्स्ट मुंगा स्टोर के अंदर कौन से आइटम्स आने वाला है ये बताऊंगी, और ओवी 46 के अपडेट में आने वाले न्यू बैकपैक के स्किन्स दिखाने वाली हूँ, और साथ में आप लोग को इमोट का रिंग डिफेंड देखने के लिए मिलने वाला है जिसके अंदर कौन कौन से इमोट्स आएंगे वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मजा ही आ जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो वही सबसे पहले देखो आप लोग को हैलोवीन इवेंट स्पेशली एक्समेट के रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगी। हैलोवीन थीम में जो एक्समेट की लेजेंडरी गन की स्किन आई थी इनक्यूबेटर के अंदर, उसका आप लोग को रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर एक्समेट की शैडो स्किन्स आएगी, और साथ में आप लोग को पेपर कार्टून वाले जो यूएमपी की गन की स्किन है लेजेंडरी, ये वाले 2, 3, 4 जो स्किन है ये भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सो पेपर वाली गन यूएमपी, और आप लोग को जो एक्समेट की हैलोवीन थीम में जो लेजेंडरी स्किन है जो बहुत ही ज़्यादा ओपी दिखती है, सो ये रिंग इवेंट आप लोग को हैलोवीन इवेंट स्पेशली ओवी 46 अपडेट के बाद में देखने के लिए मिलेगा हैलोवीन इवेंट स्टार्ट होगा तो। और फिर कैसे को नेक्स्ट मुगेश्वर के अंदर आप लोग को नेक्स्ट मंथ जो मुगेश्वर देखने के लिए मिलेगा सेप्टेम्बर में, आप लोग को 14 या फिर 15 सेप्टेम्बर को ये वाले जो न्यू रेड कार्पेट वाला जो पर्पल एनिमेशन इमोट है ये आप लोग को नेक्स्ट मुगेश्वर के अंदर पॉसिबल है आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इन और वीडियो सर्वर के अंदर, या फिर ये मुगेश्वर आप लोग को 15 सेप्टेम्बर से पहले पहले आप लोग को मुगेश्वर या फिर फैटविल के अंदर में जरूर से देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर सीखो नया रिंगी फैंट जिसके अंदर आप लोग को 4 यहाँ पे इमोट देखने के लिए मिल जा रहा है, एक आप लोग को हैलोवीन थीम में देखने के लिए मिल जा रहा है जो बजा रहा है पूरा ही, और हैलोवीन जैसा यहाँ पे बजा रहा है, फिर ऊपर से पीछे से आगे खा देता है, फिर आप लोग को यहाँ पे रोबो पैट वाला देखने के लिए मिल जा रहा है इमोट जो रोबो पैट है, ये फिर अच्छा खासा आप लोग को इमोट देखने के लिए मिल जा रहा है। फिर नेक्स्ट आप लोग को सीफा पेट का जो इमोट है ये फिर आप लोग को इस रिंग फैन के अंदर देखने के लिए मिल जा रहा है, जो सीफा पेट का इमोट है ये भी बहुत ही ज़्यादा ओपी लगता है, क्या ये सीफा पेट को पकड़ के रखता है। फिर आप लोग को नेक्स्ट यहाँ पे बनी थी में जो न्यू इमोट है ओल्ड वाली, ये आप लोग को देखने के लिए मिल जा रही है जो बनी को खोज के फेंक देती है। सो ये जो चारों इमोट्स आप लोग देख रहे हो चारों ही इमोट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा वो भी 46 अपडेट के बाद में रिटर्न में, क्योंकि चारों ही का जो इवेंट है ये आने वाला है, सीफा पेट के आइटम्स भी रिटर्न में आने वाले हैं, और जो हैलोवीन थीम के आइटम्स है वो भी आने वाला है, और बनी थीम के जो आइटम्स है ये फिर रिटर्न में आने वाला है। सो ये सारे इमोट्स को लेके आप लोग को एक रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो आप लोग को लक्ष्यवाल देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप लोग जो इमोट्स है इसको आप लोग एक्सचेंज भी कर पाओगे रिंग इवेंट के टोकन से या फिर लक्ष्यवाल के टोकन से। बाकी आप लोग को ये जो इमोट का जो रिंग इवेंट है ये आप लोग को आने वाले वो भी 46 अपडेट के बाद में ही देखने के लिए मिलेगा। और फिर गाइस देखो वो भी 46 अपडेट के बाद में आप लोग को न्यू न्यू बैकपैक की स्किन्स देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले आप लोग को आपके ऊपर मन के बस के अंदर ये वाले जो बैकपैक की स्किन है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगी जो बोल सी है, और बहुत ही अलग डिजाइन का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है पर बहुत ही मस्त से। फिर आप लोग को नेक्स्ट नवाइमेंट के वेपस के अंदर देखने के लिए मिलेगी जो पूरा ही हैलोवीन के थीम में और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, और साथ में जिसका जो एनिमेशन और इफेक्ट है ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और अच्छा खासा आ रहा है। फिर नेक्स्ट आप लोग को दिसंबर मंथ के वेपस के अंदर देखने के लिए मिलेगी ये वाले बैकपैक के स्किन जो कैक्टस के थीम में, कैक्टस के थीम में नहीं कैक्टस जैसा है, बाकी जो बैकपैक के स्किन अच्छा खासा लग रहा है, पूरा नीचे में जो है गिर रहा है पेपर के टुकड़े। सो ये वाला बैकपैक के स्किन भी बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही अच्छा खासा दिख रहा है जो दिसंबर मंथ के वापस के अंदर आएगा। फिर और एक बैकपैक की स्किन आएगी दिसंबर मंथ के वापस के अंदर जो ये फिर ठीक ठाक है, नॉर्मल सा है और डिज़ाइन वगैरह अच्छा खासा है बैकपैक का स्किन में, तो ये वाला भी दिसंबर मंथ के वापस के अंदर ही आएगा। जो ये तो फ्री में मिल जाएगा, बाकी जो पहले दिख रहा है वो आप लोग को वापस लेने पर मिलेगा।
फिर नेक्स्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा भूतिया इवेंट के थीम में, जो देख सकते हो क्या ही खतरनाक बैकपैक का सीन है, आज तक का सबसे खतरनाक बैकपैक का सीन लग रहा है, क्योंकि देख रही हो गाइस क्या ही एनिमेशन आ रहा है, पूरा ही दिल का जैसा यहाँ पे एनिमेशन और इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे जो भूत है वो आज आ रहा है। बाकी इसका लेजेंडरी बंडल ये होने वाला है, और आप लोग को ये बैकपैक की स्किन देखने के लिए मिलेगी जो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस बार के ओवी 46 अपडेट में बहुत ही खतरनाक खतरनाक वाला बैकपैक का स्किन आने वाला है, उसमें से एक खतरनाक ये है। फिर नेक्स्ट आप लोग को सैडो इवेंट के थीम में देखने के लिए मिल जाएगी बैकपैक की स्किन, ये फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कम नहीं है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो इसका जो एनिमेशन और इफेक्ट है क्या ही आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सो ये वाला बैकपैक का स्किन में बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला, और पीछे देख ही सकते हो क्या ये एनिमेशन और इफेक्ट आ रहा है, और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। सो ये वाला बैकपैक का स्किन में आप लोग को भी 46 अपडेट के बाद देखने के लिए मिलेगा सैडो इवेंट में। फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी होस्ट टीम की बैकपैक की स्किन, जो होस्ट टीम का बैकपैक का स्किन है ये फिर अच्छा खासा लग रहा है, और पीछे में आप लोग देख ही सकते हो बैकपैक का स्किन बहुत ही अच्छा खासा दिख रहा है, और जो बैकपैक की स्किन में पूरा ही है फेस है, और जो एनिमेशन और इफेक्ट आ रहा है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आ रहा है। और फिर आप लोग को नेक्स्ट ईयर वाली बैकपैक की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी, सो ये फिर लेजेंडरी है, और ये फिर बहुत ही मस्त लग रही है, इसका भी एनिमेशन और इफेक्ट है बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है। सो आने वाले ओवी 46 अपडेट में जो भी बैकपैक की स्किन आएगी, सारे बैकपैक की स्किन बहुत ही मस्त आने वाली है। फिर आप लोग को एक सिंपल सा नॉर्मल जो बैकपैक का स्किन है ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो बस डिज़ाइन क्या है, बस डिज़ाइन है और नॉर्मल है, तो फ्री में ही मिल जाएगा। बाकी आप लोग को ये सभी बैकपैक की स्किन आने वाले ओवी 46 के अपडेट में देखने के लिए मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खतरनाक है, और लेजेंडरी और जो एनिमेशन और इफेक्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। और फिर देखो आप लोग को जो बनिका बंडल है, बनिका बंडल का जो रिंकी फैंड है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर बनिका बंडल और बनी के थीम के जो आइटम्स है ये रहेगा। बाकी जो बनी बंडल का रिंकी फैंड है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा पूरा ही कंफर्म है, आप लोग को 10 से 20 सितंबर के बीच में आप लोग को जो बनिका बंडल है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। सो इसका जो ऑफिशियल बैनर है ये निकल के आ जाएगा 4 या फिर 5 दिन के बाद में, सो वेट करो फिर कंफर्म डेट बता दूंगी। बाकी 10 से 20 सितंबर के बीच में जो बनिका बंडल है ये आ जाएगा। और फिर देखो आने वाले ओवी 46 अपडेट के बाद में आप लोग को ब्लैक टी शर्ट के जैसा ही टी शर्ट टाइप देखने के लिए मिलेगा, बट आप लोग को ब्लैक जैकेट देखने के लिए मिलेगा, लाइक ब्लैक टी शर्ट के जैसा सेम टू सेम लग रहा है, बस इसमें बीच में चैन है, तो आप लोग को ब्लैक टी शर्ट के जैसा जो ब्लैक जैकेट है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा आने वाले ओवी 46 अपडेट के बाद में, जिसका रिव्यू देख ही सकते हो अच्छा खासा लग रहा है। सो ये वाला टी शर्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा फैट बिल या फिर रिंगी पैन के अंदर। और फिर गाइस देखो आप लोग को जो नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट है, नेक्स्ट मंथ आप लोग को जो मिस्ट्री शॉप है, मिस्ट्री शॉप का डिस्काउंट इवेंट भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जिसके अंदर जो आइटम्स आता है वही सब आएगा। बाकी आप लोग को जो ई फोटो गेंस है वो भी डिस्काउंट में देखने के लिए मिल सकता है, मिस्ट्री शॉप आएगा, या फिर आप लोग को लकी बॉल डिस्काउंट इवेंट की भी बहुत ही अच्छा चांस है, आप लोग को लकी बॉल डिस्काउंट इवेंट भी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी मिस्ट्री शॉप आई या फिर लकी बॉल डिस्काउंट इवेंट आएगा, लकी बॉल डिस्काउंट इवेंट के अंदर एक आता है नया बंडल, और मिस्ट्री शॉप के अंदर दो आता है, सो लकी बॉल डिस्काउंट इवेंट भी आ सकती है और मिस्ट्री शॉप भी आ सकती है। बाकी जो मिस्ट्री शॉप के अंदर जो रिवॉर्ड्स आइटम आता है वही लकी बॉल डिस्काउंट इवेंट के अंदर भी आता है। सो आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग को जो लकी बॉल डिस्काउंट इवेंट है ये देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग को मिस्ट्री शॉप देखने के लिए मिल जाएगी, बट आप लोग को 4 से 10 सेप्टेम्बर के बीच में, 4 सेप्टेम्बर को या फिर आप लोग को 10 सेप्टेम्बर को इंडिया सर्वर के अंदर एक डिस्काउंट इवेंट जरूर से देखने के लिए मिलेगा इंडिया पीटी सर्वर के अंदर, वो लकी बॉल भी हो सकता है और मिस्ट्री शॉप भी हो सकता है। जैसे ही कंफर्म मेल आती है तो मैं आप लोग को नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट का रिव्यू करा दूंगी। बाकी नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट आप लोग को 4 या फिर 10 सेप्टेम्बर को देखने के लिए मिलेगा लकी बॉल या फिर मिस्ट्री शॉप। तो चलो गाइस बाय बाय।